दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका जस्ट वॉच डेली के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम हमारे गेमिंग लैपटॉप में रैम को अपग्रेड करने वाले हैं। इस लैपटॉप में 8GB की रैम ऑलरेडी लगी हुई है और दूसरा स्लॉट एम्प्टी है, जिसमें हम 8GB की रैम और एड करेंगे और इसको 16GB रैम में अपग्रेड करेंगे। तो सो यहाँ पर इस वीडियो में रैम को कैसे इंस्टॉल करना है वो हम आपको दिखाने वाले नहीं है। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, हम वो वीडियो में आपको रैम को कैसे इसमें अपग्रेड करना है वो दिखाने वाले हैं। तो सो इस वीडियो में हम आपको परफॉर्मेंस डिफरेंस दिखाने वाले हैं 8GB और 16GB के बीच का, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि इस 8GB से 16GB में अपग्रेड करते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस और एडिटिंग परफॉर्मेंस में हमको क्या बेनिफिट मिलता है। तो सो रैम अपग्रेड करने के लिए हम जो लैपटॉप यूज करने वाले हैं वो है Asus TUF A15 Ryzen 7 4800H। इसमें एक स्लॉट में 8GB की रैम ऑलरेडी इंस्टॉल है, हम उसके दूसरे स्लॉट में 8GB की एक और रैम को इंस्टॉल करने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रैम को अपग्रेड करने से पहले की गेमिंग और एडिटिंग परफॉर्मेंस दिखाएंगे और रैम को अपग्रेड करने के बाद सेम गेम्स की और एडिटिंग परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ताकि आपको डिफरेंस साफ क्लियरली पता चल सके। तो चलिए सबसे पहले इस लैपटॉप की 8GB रैम के साथ गेमिंग और एडिटिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उसके बाद रैम को अपग्रेड करने के बाद इसकी 16GB के साथ कैसी एडिटिंग और गेमिंग परफॉर्मेंस आती है वो भी देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, आप हमारे इस चैनल में नए हो, आपने अभी तक हमारे जस्ट वॉच डेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले यूजफुल और फायदेमंद वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। गेम में सबसे पहले हमने वैलोरेंट गेम खेला, रूम टेम्परेचर था अराउंड 20 डिग्री। 1080p के सेटिंग में हमें वैलोरेंट में एवरेज 90-95 FPS देखने को मिले। इसके बाद हमने सबकी प्रेफर्ड गेम GTA 5 को खेला, मीडियम हाई सेटिंग पर GTA में हमको एवरेज 50-55 FPS देखने को मिले। इसके बाद हमने इस लैपटॉप में फोर्टनाइट को भी खेला एंड फोर्टनाइट में हमको सेम 20 डिग्री रूम टेम्परेचर के साथ एवरेज 50 FPS देखने को मिले। तो दोस्तों, ये था इस लैपटॉप का 8GB के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस। अब चलिए लैपटॉप में 8GB रैम को इंस्टॉल करते हैं एंड फिर देखते हैं सेम लैपटॉप में सेम गेम 16GB के साथ हमको कैसा परफॉर्मेंस देती है। तो दोस्तों, रैम अपग्रेड करने के बाद हमने फिर से वैलोरेंट खेला, अब रूम टेम्परेचर है अराउंड 24 डिग्री एंड डिफरेंस आप क्लियरली अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। पहले 8GB रैम के साथ एवरेज हमको 90-95 FPS देखने को मिले थे, लेकिन 16GB रैम के साथ वैलोरेंट में हमें एवरेज 170 FPS देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर FPS इतने कमाल के निकल के आए तो बट ऑलवेज देखे गेम तो एकदम मक्खन ही चलने वाला है। इसके बाद हमने GTA 5 को भी अगेन खेला 16GB रैम के साथ, और पहले जहां 8GB रैम के साथ हमको एवरेज 50-55 FPS देखने को मिले थे, वहां 16GB के साथ हमको एवरेज 63 FPS देखने को मिले। सरप्राइज की बात यह है कि FPS बिल्कुल स्टेबल है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये सारे ही गेम्स मैंने वाईफाई से खेले हैं, ना कि लैन केबल से। लास्ट में हमने फोर्टनाइट को अगेन टेस्ट किया 16GB रैम के साथ। फोर्टनाइट में पहले जहां एवरेज 50 FPS देखने को मिले थे, वहां अब 16GB रैम के साथ एवरेज 60 FPS देखने को मिले। तो दोस्तों, ये था गेमिंग परफॉर्मेंस डिफरेंस बिटवीन 8GB एंड 16GB रैम। चलिए अब एडिटिंग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। वीडियो एडिटिंग में हमने फुल एचडी वीडियो एडिटिंग किया पावर डायरेक्टर में। यहाँ पर हमको फुल एचडी वीडियो एडिटिंग एकदम बटर स्मूथ देखने को मिला, कोई भी लैग देखने को नहीं मिला एडिटिंग में। एंड इस लैपटॉप में आप 16GB रैम के साथ 4K वीडियो एडिटिंग भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं वर्डेट की, कि आपके पास की अगर गेमिंग लैपटॉप है और उसमें अगर 8GB रैम है तो आपको उसको 16GB में रैम में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि यहाँ पे 8GB से 16GB रैम अपग्रेड करने से हमको काफी ज्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस में और एडिटिंग परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका भी बजट है तो आप डेफिनेटली 16GB रैम में अपग्रेड हो सकते हैं। और उसमें भी अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, अभी नहीं इन फ्यूचर, तो आपको डेफिनेटली 16GB रैम को अपग्रेड करना पड़ेगा,
ताकि आप 4K वीडियो एडिटिंग इस लैपटॉप के साथ आराम से कर सको। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।